हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मैं आपको ग्राफी के लिए समझाऊंगी। उसके लिए हम लेके चलेंगे, मैंने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, जहाँ पे जो एक्स है वो किस में से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर में से। ठीक है, अब इसको ग्राफी के लिए करेंगे। पहले मैं क्या करूंगी, जैसे हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, लेफ्ट टू क्या चलेगा, लेफ्ट टू ओरिजिन चलेगा। ठीक है, लेफ्ट टू ओरिजिन जाएगा, यानी कि जब हम फंक्शन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किस तरीके का ग्राफ आता है ये देखना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, एक्स का स्क्वायर लिया। ठीक है, मैं इसकी यहाँ पे टेबल बना रही हूँ। ये जो फंक्शन बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, दिस फंक्शन, इसका जो ग्राफ बनेगा, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज पैराबोला। ठीक है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ। ठीक है, इधर मैंने क्या लिया, ये मैंने टेबल ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखो जब मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगी, जीरो पुट करूंगी, तो फंक्शन की वैल्यू भी कैसी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगी, माइनस का वन पुट करूंगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगी, माइनस का टू पुट करूंगी, तो यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। ठीक है, जीरो से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करती हूँ, मान लो मैंने क्या पुट किया, माइनस का वन बाय टू पुट किया। ठीक है, तो माइनस का वन बाय टू की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का वन बाय फोर आ जाएगी। ठीक है, माइनस का वन, सॉरी, प्लस का वन बाय फोर आएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया तो वैल्यू कैसी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, माइनस का थ्री अगर मैं पुट कर दूं तो क्या आ जाएगी, नाइन आ जाएगी, इनके माइनस का थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाइन हो जाएगा। क्लियर, तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये तो कब है, जब फंक्शन कैसा है, लेफ्ट टू ओरिजिन है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या लिखूं, राइट टू ओरिजिन लिखूं। ठीक है, अगर मैं क्या लिखूं, जो वैल्यू है एक्स की वो क्या आएगी, वैल्यू ऑफ राइट टू ओरिजिन, राइट टू ओरिजिन, तो वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पे क्या लिखा, एक्स लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, एक्स का स्क्वायर। क्लियर, जीरो पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, जीरो आएगी। वन पुट करेंगे तो कैसी आएगी, वन आएगी, क्योंकि वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, टू पुट करती हूँ मैं, टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। ठीक है, उसके बाद थ्री पुट करते हैं तो थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, नाइन आएगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करते जाएंगे। वन बाय टू पुट कर लो, जैसे वन बाय टू पुट करेंगे तो स्क्वायर कितना आएगा, वन बाय फोर आएगा। इस तरीके से वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस तरीके का बनेगा ये देखो। ठीक है, ये मैंने हमारी क्या ले ली, एक्स वाई एक्सिस ले ली। क्लियर, यहाँ पे क्या है, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। क्लियर, यहाँ पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, इधर मैंने नंबर लिख लिया, जैसे वन टू थ्री, यहाँ पे लिख लिया माइनस, सॉरी, वन टू थ्री। ठीक है, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। क्लियर, यहाँ पे फोर तक ले लेते हैं, फोर आ गया समझ में। अब देखो जब हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू ओरिजिन जा रहे थे, मतलब ओरिजिन ये लेफ्ट इधर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या थी, जीरो पे क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। माइनस का वन पे कितनी आ रही थी, वन, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस का वन, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, वन आ रही थी, यहाँ आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारा। क्लियर, उसके बाद हमारे पास क्या आ रही थी, एक्स की वैल्यू माइनस का टू रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी, माइनस का टू, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी, फोर आ रही थी, तो इधर इस तरीके से। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा हमारा। क्लियर, ये कब है, जब लेफ्ट टू क्या जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू ओरिजिन लेके चल रहे हैं। अब मैं वैल्यू क्या लूंगी, राइट टू ओरिजिन लूंगी, तो राइट टू ओरिजिन लूंगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, जीरो के ऊपर तो वैल्यू कैसे देगा, जीरो देगा। ठीक है, अब वन पे वैल्यू क्या दे रहा है, वन दे रहा है, तो वन यहाँ पे है, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू पे एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू फोर, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा।
उसके बाद क्या है 3, 3 पे क्या है 9, तो इस तरीके से बनता जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा बन गया क्या बन गया, पैराबोला बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगी, जैसे इसकी जो, जैसे इन दोनों के बीच में मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स नोट, इस तरीके से ये जो हो जाएगी एक्स नोट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी एफ ऑफ एक्स नोट, हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी किसकी, ग्राफ की, एट किस पॉइंट के ऊपर, एक्स नोट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी पॉइंट की एक्स नोट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पैराबोला बन गया, आ गया समझ में। अब देखो जैसे जैसे मैं क्या कर रही थी, ओरिजिन से लेफ्ट जा रही थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अब जैसे मैं क्या करूंगी, फंक्शन की वैल्यू राइट टू ओरिजिन लूंगी, ओरिजिन टू राइट उधर होता है, तो क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो जो हाइट होगी ग्राफ की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हाइट होगी ग्राफ की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इधर क्या करेगी, हाइट हाइट ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और वहां पे जो हाइट है वो क्या करेगी, हाइट ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के हम अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे इंक्रीजिंग पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ेंगे डिक्रीजिंग पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कर लिया, लेट आई मैंने कोई ओपन इंटरवल ले लिया जो कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसकी जो डोमेन हो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, एफ है, ठीक है। तो एफ को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग कब बोलेंगे एफ को, आई के ऊपर, जब हमारे पास क्या हो जाए, इफ एक्स वन लेस देन एक्स टू इन आई, एक्स वन तो क्या हो जाए लेस देन क्या हो जाए, एक्स टू हो जाए, ठीक है, आई के अंदर। This implies that जो f of x1 है ना वो क्या हो जाए, less than or equal to क्या हो जाए, f of x2 हो जाए, ठीक है। तो मैं उस फंक्शन को कैसा बोल दूंगी, इंक्रीजिंग बोल दूंगी, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 belongs to i के लिए, ठीक है। अब क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी वही है क्या, इफ x1 less than क्या है, x2 है i के अंदर, तो this implies that क्या हो जाए, ये f of x1 है वो क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली लेस हो जाए f of x2 से, x2 से, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 belongs to i के लिए, ठीक है। यानी कि अगर x1 less than x2 है तो f of x1 क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाए f of x2 से, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दूंगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, ठीक है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन i, इफ डिक्रीजिंग ऑन i हमारे पास कब हो जाएगा, जब मैं क्या लेके चलूं, x1 less than x2 लेके चलूं, ऑन i क्या हो जाएगा, इफ x1 तो क्या है less than x2 है, ठीक है, इन i के अंदर, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाए, f of x1 greater than or equal to क्या हो जाए, f of x2 हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल x1 comma x2 belongs to i, ठीक है। डिक्रीजिंग किसी फंक्शन को कब बोलूंगी, आई के ऊपर, जब क्या हो जाए x1 x less than क्या दे रखा है, x2 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या जाए, कि अगर मैं फंक्शन के ऊपर वैल्यू लगाऊ ना तो f of x1 क्या आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए f of x2 से, ठीक है। तो उस फंक्शन को मैं कैसा बोल दूंगी, डिक्रीजिंग बोल दूंगी i के ऊपर, क्लियर। उसके बाद फोर्थ देखो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन i, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन i कब होएगा, इफ x1 क्या आ जाए लेस देन x2 हो जाए इन i के अंदर, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाए, f of x1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या हो जाए, f of x2 हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए, क्लियर। तो इस फंक्शन को मैं कैसा बोल दूंगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दूंगी, ठीक है। कब, जब x1 क्या है लेस देन x2 मैं लेके चल रही हूँ, और क्या आ जाए फंक्शन की वैल्यू, f of x1 ग्रेटर देन क्या आ जाए, f of x2 आ जाए, ठीक है। तो उसको कैसा बोल देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देंगे। तो चार डेफिनेशन थी, इनको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चारों डेफिनेशन आने चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ, ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली देखो, इधर मैंने क्या लिया, एक्स एक्स डस वाई वाई डस, यहाँ पे क्या लिया, ओ लिया, ठीक है। मैंने एक वैल्यू ले ली क्या, जैसे देखो यहां से फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फिर ये ऐसे सीधा चला गया, फिर इंक्रीज कर गया। तो जो ये जो ग्राफ है ना, ये जो टाइप है वो किसकी है, इंक्रीजिंग फंक्शन की है, ठीक है, ये किसकी है, इंक्रीजिंग फंक्शन की है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो पहले क्या करता जाए, इंक्रीज और इंक्रीज होता जाए, ठीक है।
उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देखो कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से लिए मैंने, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे क्या है y, x डैश ये ओरिजिन है और ये क्या है x है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास कैसा होता है, जैसे यहाँ से कोई वैल्यू चली जाए इस तरीके से, ठीक है, ये जो ग्राफ होएगा वो कैसा होएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होएगा, ठीक है, करोसी बन जाए, ठीक है, उसको कैसा बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग में तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, डिक्रीजिंग में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में ये इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इस फंक्शन को कैसा बोल देंगे, डिक्रीजिंग बोल देंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाओ तो उसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसा बोल देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बोल देंगे, ठीक है। अब कई बार एक फंक्शन ऐसा होता है जो क्या होता है, ना तो इंक्रीज करता और ना डिक्रीज करता, ठीक है, कैसा होता है फंक्शन कि जो ना तो इंक्रीज करता और ना क्या करता, डिक्रीज करता, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से ये जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, ना इधर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, कैसा होता है, ना इधर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है कैसा होता है, ना तो इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता, ठीक है, करो किसे में से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता रहता, ठीक है, तो ये ना इंक्रीज करता और ना डिक्रीज करता, ऐसे फंक्शन को क्या बोल देंगे, ना इधर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन और है क्या, कि मैंने एक फंक्शन ले लिया, उसको मैं इंक्रीजिंग कब बोलूंगी, क्या ले लिया मैंने, एक फंक्शन ले लिया, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी, एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट एक्स नोट इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई, इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए आई क्या, एक्स नोट माइनस का एच और एक्स नोट प्लस का एच, ठीक है, जहां पे एच है वो क्या है, एच है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सच दैट क्या हो जाए, सच दैट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आई, एक्स वन क्या है लेस देन एक्स टू से इन आई, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स टू हो जाए, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगी, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दूंगी, क्या कि कोई फंक्शन है उसको मैं इंक्रीजिंग का बोलूंगी, किसी पॉइंट के ऊपर एक्स नोट कोई पॉइंट दे दिया आपकी बार, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट वहां पे कोई इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए आई किस में से, एक्स नोट माइनस का एच और एक्स नोट प्लस का एच, ठीक है, एच क्या है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, सच दैट एक्स वन एक्स टू बिलोंग करता आई में से, तो क्या हो जाए कि एक्स वन लेस देन एक्स टू है, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, एक्स टू आएगा, एफ ऑफ एक्स टू आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना एक्स नोट ये हमारे पास क्या आएगा, उसकी डोमेन का पॉइंट होगा, ठीक है, उसकी डोमेन का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां से जो फंक्शन आई वो इंक्रीज भी कर सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कर सकता है। तो उसके लिए सेम डेफिनेशन इस तरीके से आ जाएगी जो मैंने अभी चारों डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस का थ्री, वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आर के ऊपर ही हमें शो करना है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होती है, तो एक कंडीशन होती है क्या, लेट कर लिया मैंने एक्स वन एक्स टू किस में से बिलोंग करते हैं, आर में से बिलोंग करते हैं, ठीक है, टू नंबर ले लिया आर में से, ठीक है, देन क्या होगा एक्स वन हो क्या आएगा लेस देन एक्स टू आएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा एक्स वन अगर लेस देन एक्स टू होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं सेवन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो सेवन एक्स वन लेस देन क्या हो जाएगा सेवन ऑफ एक्स टू हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड थ्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया सेवन एक्स वन माइनस का थ्री लेस देन क्या आ गया सेवन एक्स टू माइनस का क्या आ गया थ्री आ गया, ठीक है। अब सेवन एक्स वन माइनस का थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या गया एफ ऑफ एक्स वन लेस देन ये हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ एक्स टू हो गया, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है कैसा आ गया एक्स वन लेस देन एक्स टू था क्या आ गया एफ ऑफ एक्स वन लेस देन क्या आ गया एफ ऑफ एक्स टू आ गया, तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इस फंक्शन डेफिनेशन से हमारे पास क्या हो गया बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन आर, आर के ऊपर कैसा आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है, डेफिनेशन से प्रूफ करना इन क्वेश्चनों को। अब देखो
मैं आपको एक वो करवाती हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करवाती हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इस प्रूफ को रिक्वायर करने, प्रूफ को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मीन वैल्यू थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, देखो थ्योरम क्या दे रखी है, लेट एफ मैंने मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या बोलती थी, मैंने करवाई थी आपको क्या थी, कि एफ मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया क्लोज इंटरवल एबी के ऊपर, क्लोज इंटरवल एबी के ऊपर तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल कहाँ पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल एबी के ऊपर कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एफ है वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा किसके अंदर, इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, इफ हमारे पास क्या हो जाए, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। क्या है, ये एफ इंक्रीजिंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, कब करेगा, जब उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स के, उसके जो ओपन इंटरवल के अंदर पॉइंट है ए बी के अंदर, उसके हर पॉइंट के लिए जो फंक्शन हो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो उस फंक्शन को मैं कैसा बोल दूंगी, इंक्रीजिंग बोल दूंगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, एफ है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग होएगा इन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ हमारे पास क्या आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या आ जाए, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। फंक्शन है वो डिक्रीज कब करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, इफ क्या आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में से, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कि एफ है कॉन्स्टेंट कब होएगा, एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ और कॉन्स्टेंट फंक्शन कब होएगा, इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, इफ हमारे पास क्या आ जाए, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। फंक्शन कॉन्स्टेंट कब हो जाएगा, जब उसका पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो उसका उसको कैसा बोल दूंगी, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोल दूंगी, ठीक है। अब इसके हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखो कैसे करेंगे। ये है जैसे फर्स्ट थ्योरम है, क्या है कि एफ है वो इंक्रीज करेगा ए बी के अंदर, इफ एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन जीरो, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ देखो इसका, लेट कर लिया मैंने, लेट एक्स वन को मैक्स टू किस में से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी में से बिलोंग करता है, ठीक है। सच दैट हमारे पास क्या है, सच दैट क्या है, एक्स वन क्या है, लेस देन एक्स टू है, बाय डेफिनेशन हो गया ये, ठीक है। एक्स लेस देन क्या आ गया, एक्स वन लेस देन क्या आ गया, एक्स टू आ गया, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम से क्या कर, एग्जिस्ट मीन वैल्यू थ्योरम से क्या कहता है, क्या कहती है मीन वैल्यू थ्योरम, बाय एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी का मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी किसके बीच में, एक्स वन और एक्स टू के बीच में, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, ठीक है। सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या था, एफ डैश सी था। ये थी हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, क्या थी कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाऊंगी तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश सी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया, क्लियर। अब देखो हमें पता है कि एफ डैश सी फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा एफ डैश सी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है। अगर ये चीज ग्रेटर देन आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वन हो गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स टू है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन हो गया, ठीक है। उसको उधर लेंगे या फिर ये बोल दो कि दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स वन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, उधर जीरो प्लस का एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेके चले थे, क्या लेके चले थे, एक्स वन लेस देन एक्स टू लेके चले थे, और प्रूफ क्या कर दिया कि एफ ऑफ एक्स टू, इसको क्या ले सकती हूँ मैं, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन लेस देन क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स टू आ गया, ठीक है। ये लिख सकती हूँ इसको,
तो x में लेस देन x2 ले ही चले थे, f ऑफ x में लेस देन क्या गया, f ऑफ x2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट f है वो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग हो गया किसके अंदर, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ऐसे हम सारे के सारे प्रूफ कर लेंगे, डिक्रीजिंग के लिए भी कर लेंगे और कॉन्स्टेंट के लिए भी कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो ये था मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके हमें इसका क्या करना था, प्रूफ करना था इस डेफिनेशन का, जो ये डेफिनेशन दे रखी थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो रिमार्क देता है क्या, रिमार्क दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि एफ हमारे पास वो क्या होगा, एफ है वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ए बी के अंदर, इफ हमारे पास क्या आ जाए, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या दे रखी है, वो तो क्लोज इंटरवल की बात कर रहे थे, ये हमारे पास किसकी है, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है कि एफ है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन ए बी इफ फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या आ जाए, डैश देन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या आ जाए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि एफ है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग की भी हो सकता है किसी भी इंटरवल के अंदर, ठीक है। ए फंक्शन विल बी, अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन आर इफ इट इज सो इन एवरी इंटरवल, एवरी इंटरवल ऑफ आर, ठीक है। ये देखो तीन चीज है, पहली चीज क्या थी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर इफ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ठीक है। सेकेंड क्या थी कि फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर उसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है। थर्ड क्या थी कि एक फंक्शन है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है आर के ऊपर, जो इंटरवल है उसका क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, देखो क्वेश्चन क्या कर रखा है, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, फंक्शन एफ क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या कर दे रखा है, शो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस का फोर एक्स, एक्स किस में से बिलोंग करता है, आर में से, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, हमें शो करना है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। अब की बार हमारे पास डोमेन क्या दे दी, सेट ऑफ रियल नंबर दे दी, ठीक है। फंक्शन क्या शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है, ठीक है। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या दे लेंगे, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इसका, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर होता है, पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस होएगा, ठीक है। माइनस का थ्री एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, और प्लस का फोर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, क्लियर। अब हमारे पास ये क्या आ गया, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का फोर, ठीक है। इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ बताओ, इसको क्या लिख दिया, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ, थ्री प्लस का वन, ठीक है।
अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, थ्री कॉमन आ सकता है, तो थ्री कॉमन निकालिए, अंदर क्या बच गया, एक्स का स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस का वन और प्लस का वन, क्लियर। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर बन गया, ठीक है, यानी कि थ्री इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर और प्लस का वन, ये ऑलवेज कैसा आएगा, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, पुट करके देखो जीरो पुट करोगे माइनस वन का स्क्वेयर क्या आएगा, वन पॉजिटिव आएगा, टू पुट करके देखो टू माइनस का वन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये पूरा हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, इन एवरी इंटरवल। एवरी इंटरवल ऑफ आर, आर के हर इंटरवल के अंदर ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, इसका मतलब जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स था वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया आर के, क्यों, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ डैस एक्स वो क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, ए क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई, ठीक है, बी क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से टू पाई, थर्ड क्या दे रखा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो से टू पाई, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दे रखा है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा जीरो से पाई के बीच में, ये हमें क्या करना है, शो करना है, सेकंड चीज क्या शो करनी है, कि ये हमारे पास क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा पाई से टू पाई पे, ठीक है, थर्ड हमें क्या शो करना है, कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो से टू पाई, ठीक है, जीरो से टू पाई पे ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा, क्लियर, माइनस का साइन एक्स आएगा। अब देखो जब एक्स किस में से बिलोंग करता है, जीरो से पाई के बीच में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रही हूं पहले, एक्स किस में से बिलोंग करता है, जीरो से पाई के बीच में करता है, ठीक है, जीरो से पाई में कुछ भी वैल्यू ले लो, पाई बाय टू ले लो, साइन पाई बाय टू हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा, यानी माइनस का वन आएगा, ठीक है, तो जो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, साइन एक्स हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, क्यों, माइनस का वन आएगा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, तो वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, तो एफ हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, यानी कि एफ वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, इन जीरो से पाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एफ डैश एक्स क्या है, माइनस का साइन एक्स है, एक्स की यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जीरो से पाई के बीच में से क्या उठा लिया, मैंने पाई बाय टू मान लो उठा लिया, ठीक है, तो पाई बाय टू के ऊपर साइन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है, साइन एक्स तो क्या होता है, ग्रेटर देन आता है, लेकिन जो फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स वो क्या आएगा, माइनस का वन आएगा, ठीक है, जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, माइनस का वन आएगा, और ये क्या आया है, लेस देन जीरो आया है, ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। सेकंड क्या देखा है, एक्स किस में से बिलोंग करता है, जीरो से पाई से टू पाई, ठीक है, एक्स पाई से टू पाई में बीच में बिलोंग करता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव में जाएगी, यानी कि जो साइन एक्स आएगा वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, लेस देन जीरो क्यों आएगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, टू पाई पे पुट करोगे जैसे नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, साइन पाई के ऊपर कैसा होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो साइन एक्स आएगा वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, तो अगर ये साइन एक्स लेस देन जीरो आएगा, ये लेस देन जीरो आएगा, तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो कैसा
आ जाएगा, देन एफ डैस आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ है वो कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, इन पाई से टू पाई, क्लियर। थर्ड हमारे पास क्या है, जीरो से टू पाई। अब जीरो से देखो, जीरो से पाई में क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, पाई से टू पाई में क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। तो जीरो से टू पाई में कैसा बच गया, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जीरो से टू पाई में क्या करेगा, ना इधर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये तो क्लियरली हो गया। क्यों, क्योंकि देखो जो जीरो से टू पाई है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे जीरो से पाई और पाई से टू पाई, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर ये इसके अंदर तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसके अंदर इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर क्या करेगा, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज, ए में क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी में क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इंटरवल्स, हमें क्या करने हैं, ऐसे इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसके अंदर जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का सिक्स, वो क्या कर जाए, ए पार्ट के अंदर तो क्या कर जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाए, बी पार्ट के अंदर क्या कर जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो हमें ऐसे क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें ऐसे इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का सिक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स करेंगे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर का क्या आएगा, टू एक्स माइनस का फोर, सिक्स का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है इसका, टू एक्स माइनस का फोर आया, ठीक है। जब मैं क्या करूंगी, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करूंगी, जीरो के इक्वल पुट करूंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट 2x is equal to 4, this implies that x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यानी कि जब मैंने फंक्शन को 0 के इक्वल पुट किया, डेरिवेटिव को, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो अब इस रियल लाइन के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी, इधर क्या होता है, इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो एक इंटरवल तो क्या बनेगा, माइनस का इन्फिनिटी से 2 बनेगा, और दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस का इन्फिनिटी से 2 के अंदर तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, लेस देन जीरो आएगी, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल के अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास क्या था, इंटरवल 2 कोमा इन्फिनिटी था, उसके अंदर क्या आएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो फंक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे फंक्शन क्या कर जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाएगा। देखो कुछ भी वैल्यू ले लो, 3, 2 और इन्फिनिटी के बीच में मान लो 3 ले लिया, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 6 माइनस का 4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। यहाँ लेफ्ट में पुट करूंगी, मान लो माइनस का 3 पुट कर दिया मैंने, माइनस का 3 पुट करियो, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 कितनी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। तो इधर लेफ्ट जाएंगे जब तो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, राइट में जाएंगे तब क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो माइनस का 2 कोमा इन्फिनिटी कोमा 2 पे तो क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा, और 2 को माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या कर जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर जाएगा, ठीक है। और इधर यहाँ पे तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और इधर क्या कर जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है। आ गया समझ में, ये क्वेश्चन था हमारे पास। जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या, कॉन्टिन्यूस भी है 2 के ऊपर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसके जो इंटरवल्स उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है जो डिक्रीज करेगा माइनस का इन्फिनिटी से 2 पे, और इंक्रीज करेगा 2 से इन्फिनिटी पे, क्योंकि जो फंक्शन है 2 के ऊपर कैसा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x³ माइनस का 6x² माइनस का 72x प्लस का 30, ये दे रखा है। ठीक है, हमें शो करना है कि कौन से इंटरवल के अंदर ये इंक्रीज करेगा और कौन से इंटरवल के अंदर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × 12 12x² माइनस का 12x और माइनस का 72। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब इसमें से पूरे में से 12 कॉमन आ सकता है, 12 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। क्लियर, अब इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे तो क्या है 12 एज इट इज, इसके फैक्टर करेंगे, माइनस का 6 मल्टीप्लाई आनी चाहिए और माइनस का 1 क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तो क्या आएगा, x² माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो देखो 12 एज इट इज, यहाँ से x को मैं निकालूंगी अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 3 प्लस का 2 निकालूंगी अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 3। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो 12 एज इट इज क्या बन गए, x प्लस का 2 और x माइनस का 3, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो देखो जब मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, एफ डैश एक्स को क्या पुट किया, 0 पुट किया। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या आएगी, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और क्या आएगा, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। ठीक है, जब मैंने x प्लस 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई x की। अब हम इसको रियल लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे। ठीक है, इधर क्या है, माइनस का इन्फिनिटी, इधर क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 और यहाँ पे क्या है, 3। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो एक इंटरवल तो क्या बनेगा इसका, जब इसको ज्वाइन करेंगे, 3 डिसजॉइंट, इसके 3 डिसजॉइंट इंटरवल बनेंगे। ठीक है, एक तो क्या बनेगा, माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का 2, क्या बनेगा, माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का 2। ठीक है, सेकेंड क्या बनेगा, माइनस का 2 से 3। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस का 2 से 3। थर्ड क्या बचेगा, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। ये तो ये 3 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो कब कब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और कब कब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये चीज देखो, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 इंटरवल आ गए, इन तीनों से देखो, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था, एक्स माइनस का 2 और एक्स माइनस का 3। ठीक है, सॉरी एक्स प्लस का 2 और एक्स माइनस का क्या आया था, 3 आया था। ठीक है, इंटू में 12 था। ठीक है, इंटू में क्या था, 12 था। ठीक है, अब मैंने 3 इंटरवल लिए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं, इंटरवल यहाँ पे क्या लिखती हूँ, साइन ओ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, नेचर लिखती हूँ फंक्शन का, ये हो गया। ठीक है, ये इंटरवल हो गया, ये चीज हो गई। ठीक है, 3 इंटरवल आए थे, पहला इंटरवल क्या था, माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का 2, दूसरा क्या था, माइनस का 2 से 3, तीसरा क्या था, 3 से इन्फिनिटी। क्लियर, अब देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन आएंगे। ठीक है, दोनों नेगेटिव साइन आएंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि नेगेटिव साइन आएंगे तो हमारे पास एफ ऑफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर, अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कैसा आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, क्यों, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ तो पुट करेंगे। ठीक है, जैसे माइनस का 3 पुट किया मैंने तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना है, माइनस का 1 आया, और माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 आया, तो हमारे पास वैल्यू तो कैसी आई, पॉजिटिव आई, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, जब इंटरवल क्या लिया, माइनस का 2 से 3 लिया है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखो, मान लो 2 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 प्लस का 2 और 2 माइनस का 3, एक तो क्या आएगा, 2 प्लस का 2 क्या आएगा, 4, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1, तो वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है,
अगर एफ डैश एक्स क्या आएगा लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा एफ एम कैसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर। थर्ड में क्या 3 से इंफिनिटी, अब तो कैसे आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी पॉजिटिव चलेगा 3 से इंफिनिटी तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस तो जो एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है तो यहाँ पे भी फंक्शन कैसा कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा तो एफ यहाँ पे भी कैसा कर जाएगा एफ वो कैसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। तो ये तीन इंटरवल थे, पहले इंटरवल में क्या था फंक्शन इंक्रीजिंग आया था, तीसरे इंटरवल में भी फंक्शन कैसा आया इंक्रीजिंग आया, सेकंड जो इंटरवल था माइनस का 2 से 3 उसमें फंक्शन कैसा आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। आया समझ में, ये मेरे पास क्वेश्चन था। ठीक है तो देखो ये मैंने क्वेश्चंस करा दिए आपको, अब आप एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है तो आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे भी इसको देख सके। ठीक है उनके भी उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है तो थैंक यू गाइज।